लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो मजबूती लाल, टाइट है, बहुत कमजोर हो गया। दुबई में जाके बादाम पिस्ता खा लेना, ये लो उठेगा पैसा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी। दुबई 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 दुबई, अबे ओए दुबई जाएगा ये। हेलो ये क्या कर रहे हैं, हाथ मन्ने बढ़ा रहे, हाथ उधर को गुजार रहे हैं, आंखों का कमजोर है क्या? अंधा अंधा। अरे छी छी मन्ने बोलूं, इसको तो हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं, मन्ने तो इसको दुबई में भेज रहे हो। ये तो सब आपकी कृपा है। अरे कुचल गया तो लॉस अंधा। जाए कोटिया पोटिया जाए। आओ मिलावट राम आओ, थारे को दुबई के लिए को पैसा वैसा चाहिए दी राम? अरे नहीं सरकार नहीं, ये देखो हम अपने कमाई का ढेर सारा रुपया अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम उस ससुरन की तरह कौनो कंगाल थोड़ा हुआ है। हाँ हाँ पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो। जय सिया राम, जय दुबई, जय सिया राम, जय दुबई, जय दुबई। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। या खुदा तेरा शुक्रिया साला चोर। जय दुबई। चलो 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 सब लोग आराम करो, मस्ती करो, कल सुबह दुबई पहुंच जाओगे। सुबह घुमा घुमा घुमा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, वापस वापस वापस। ए चलो चलो भाई लोग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो देखो आ गया दुबई, आजा आजा, देखो देखो वो देखो, आजा आगे ला आगे ला आगे ला। वाह, अरे 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 रोको, आजा 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 आजा, दुबई दुबई दुबई। अरे तुम देखो हमारा दफ्तर, वो देखो हमारा ऑफिस हमारा। अरे अपने अपने घर में चिट्ठी लिखना, समझे बेटा? अरे दुबई की जमीन पर सलाम अलैकुम दुबई मियां, मेरे तकदीर के वतन। चलो ऑफिस चलो चलो, अबे चलो वर्सोवा जल्दी जल्दी। अरे अरे अंदर, तुम लोग कहाँ चले आ रहे हो, बोले क्या काम है? वाह वाह मियां, आप तो हमारे मुल्क की जबान बोल रहे हैं। वॉचमैन साहब, तुम इंडिया का है? और नहीं तो क्या, जापान का है? अरे मियां आप दुबई में कब से रहते हैं? दुबई? अरे तुम सभी लोग सुबह सुबह पी कर आए हो क्या? अरे ये मडाई लैंड है बाबा, मडाई लैंड, बंबई का दूसरा किनारा। तुम सभी लोग बंबई में हो। बंबई में? बंबई? हाँ हाँ बॉम्बे में, हिंदुस्तान में, समझे? समझ गया समझ गया। वो हराम का पानी में चक्करा दे, देखो बंबई के इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ को बोला, उतरो दुबई आ गया। आ गया, चलो भाल खाओ के ऑफिस में, मार मार के भूस भर देंगे। बहुत कोशिश की पर दोनों बाप बेटे क्या करते हैं उसका कुछ पता नहीं चला, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि जिस घर में वो रहते हैं उनके अलावा वहां और कोई नहीं, बस एक नौकरानी है जो आती है और खाना पकाकर चली जाती है, उसे भी इन दोनों के बारे में कुछ खास नहीं मालूम। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ये दोनों बाप बेटे कभी कभी महीनों घर से गायब रहते हैं। एक बात है अनिल, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, जहां भी जाते हैं साथ जाते हैं। अगर उनसे बदला लेना ही है तो उनकी एकता को तोड़ना होगा, उनमें फूट डालकर उन्हें अलग करना होगा। माफ करना साहब, तुम इस तरह आधी रात को कहां जा रही हो? क्या करेंगे मेरी दुख भरी कहानी सुनकर, लोग कहते हैं कि मैं जवान हूं। बिल्कुल सच कहते हैं। खूबसूरत हूं, इसमें क्या शक है? किसी भी नौजवान की तरफ हाथ बढ़ाऊं
तो वो सारी दुनिया छोड़कर मेरा हाथ थाम लेगा। मैं भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे डैडी मेरी शादी एक करोड़पति बुड्ढे के साथ करना चाहते हैं, और बुड्ढों से मुझे सख्त नफरत है। किसी भी बुड्ढे को देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मेरा सपना तो तुम जैसा कोई नौजवान। हाय, कितने हैंडसम हो तुम, कितने जवान, कितने खूबसूरत। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ। लेकिन तुम्हारे घर में कोई बुड्ढा तो नहीं है ना? बुड्ढा? मेरा मतलब तुम्हारा बाप। हाँ, मेरा बापू? नहीं नहीं, मेरा कोई बापू नहीं है। अरे मेरा बाप तो मेरे पैदा होने से 3-4 साल पहले ही मर गया था। मैं पैदाइशी अनाथ हूँ। ठीक है, चलो। चौकीदार है। नहीं नहीं, मेरा बाप है। तुम चिंता मत करो, वो 15 दिन के लिए हरिद्वार से आए, चले जाएंगे। ए, तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? जाओ चेंज करो, अच्छे से कपड़े डालो, शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग पे जाना है ना? इसका चांटा भी कितना प्यारा। क्या रे? बावर्ची, बुड्ढा, चौकीदार, बापू, आपने अपने बालों में कालक नहीं लगाई? लगा रहा था, इतने में बुड्ढी आई और बुड्ढा चिल्ला के भागी। कहां से पकड़ लिया बुड्ढी को? बापू, ये बुड्ढी नहीं है, ये बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन सिर्फ ये बुड्ढों से डरती है। फिर तो तेरे से बहुत डरती होगी। नहीं, क्या मतलब है आपका? क्या मैं बुड्ढा हूँ? हाँ, तो कौन सी बात है तुम्हें जवानों जैसी? ये लड़की मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई थी। मैं तेरा सर फोड़ डालूंगा। एक तो साला धंधा चल नहीं रहा, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ऊपर से तू जवान गुड़न को पकड़ लिया है। मैं इसे प्यार करने लगा हूँ बापू। आईना दिखाऊं, अभी खुद से नफरत करना चालू कर देगा। चलो ना डार्लिंग, क्लियर हो रही है। चलो। ए बापू, आप नहीं हम, क्या क्या, हमें थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है। व्यात को शॉपिंग कम डालें। अटोए छुपने की कोशिश मत करो कंस मामा। तुम मेरा खून गुंडों से करवाना चाहते थे ना? मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगा, मगर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के, डरा डरा के, टॉर्चर करके मारूंगा। ये पूरा घर और इसकी एक एक चीज पर मेरा हक है। मैं अपना हक वसूल करके ही रहूंगा। मैं अब यहां हर रोज आऊंगा और यहां आकर इस घर की एक एक चीज को एक एक करके ले जाऊंगा। और जब यहां की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना कंस मामा, तब मैं तुम्हारी जान ले जाऊंगा। तब तक तुम अपनी मौत का इंतजार करो, अपनी मौत का कंस मामा। अरे भाई, मार मार के सर तोड़ दिया, अब क्या चाहते हो कि मैं उसे जान से मार दूं? अरे बाप, मेरे वो गुंडा मेरे घर फिर आया था, मुझे जान से मारने की धमकी दी उसने। अरे तो उसमें डरने की क्या बात है भाई, यही तो दुनिया का दस्तूर है। जो आता है सो जाता है, जो जीता है सो मरता है यार, यही तो सही है। अजीब गुंडा है यार, मैं इसको अपने दिल की आग दिखा रहा हूँ, ये उस आग से सिगरेट जला रहा है। अरे भाई, मेरा कुछ कर नहीं तो मेरे को जान से मार डालेगा वो। देखो सेठ जी, तुम्हारा सिर्फ एक ही हो सकता है, तुम बॉडीगार्ड रख लो बस। बॉडीगार्ड? हाँ, बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। वो जो बड़े बड़े आदमी के पास 4-5 जन रहते हैं ना, उसकी जान बचाने के लिए। अरे तो फिर तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड मेरे को कहाँ मिलेगा, तुम बन जाओ ना। अरे खसक गया क्या, मैं और बॉडीगार्ड? भाई ठीक है भाई, चलता हूँ चलता हूँ। तेरी जुल्फ क्या है कि रात के लंबे सांस है। रवि दादा, क्यों तकलीफ हो रही है क्या? बॉडीगार्ड है। ओफो, तुम्हारे इस बुड्ढे के साथ ये भी आ रहेगा? ए, तू घड़ी घड़ी बुड्ढा बुड्ढा किसको बोलती है रे? हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो खुद अपनी शादी करने के चक्कर में हूँ। What? प्रोफेसर डार्लिंग, बापू, आपको शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? अच्छा, आंख दिखा रहा है? हाँ?
कल तक मेरे सामने गीले कुत्ते की तरह दूध मिलाता था, एक लौंडिया क्या मिल के गीले कुत्ते से सुखा कुत्ता बन गया। देख रहे हो थाली के बैंगन को? देख रहा हूँ सेठ। सुना था बेमार आदमी की आंख में सुअर का बाल होता है, इसकी आंख में तो सारा सुअर है। शट अप यू अनकल्चर्ड बॉय। चलो ना डार्लिंग, ऐसे घटिया लोगों के मुंह नहीं लगते। हाँ कम। ओ सेठ जी, किधर? आदमी का टाइम खराब हो ना तो नमक हराम औलाद भी आंखें फेर लेती है। मेरी हालत में जरा घबराहट की बारिश हो रही, नहीं तो मैं इसको मार मार के क्या हालत बना दूंगा। तो मालूम मेरा कुत्ता कितना खराब है। जाने दो सेठ जी, आप जरा परेशान हैं, जाकर आराम कर लो प्लीज। अच्छा। अरे उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। पानी चला गया क्या? तो हाथ मेरे, तो पिए तो हाथ किसके? मेरे। हाय। अरे क्या हुआ भाव? ओ साहब, ओ अरे क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये क्या? अरे कौन? इधर कौन? अरे अरे साहब, वहम है वहम। क्या हुआ? अरे 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 वाह। ओ साहब, ओ सेठ जी, कुछ नहीं, यहाँ पर आराम से जाकर अपने बिस्तर पे सो जाइए प्लीज। चलिए प्लीज चलिए, साबुन पोंछ लेना पा। क्या हुआ? क्या हुआ सर जी? कौन बैठा है सामने? सामने कोई नहीं बैठा सर जी। अरे ये क्या है? अरे क्या बात कर रहे हो सर जी, सामने कोई नहीं है। अरे क्या बात करते हो, इधर आदमी बैठा, तू बोलते कोई, ये क्या? किधर? ओ सर जी, क्या? अरे भाई वहाँ कुछ नहीं है, बोल रहा ना, वहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे काय को देख रहा था? देखो सेठ जी, तुम्हारे को किसी बात का वहम है, तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम सो जाओ। हाँ मैं हूँ ना, आप ही का तो खाता हूँ सेठ जी, आपका बॉडीगार्ड हूँ मैं, आप फिक्र मत करो, आप यहाँ बैठे रहो, मैं बाहर हूँ। हाय हाय। अरे ओ सर जी, सर जी क्या हुआ सर जी? ओ सर जी, ओ सर जी क्या है? है क्या? अरे वहाँ कुछ नहीं है सेठ जी, काहे को आराम कर रहे हैं? अरे आओ आप, वहाँ बैठो आराम से, मैं हूँ ना सेठ जी बोलता। अरे मैं हूँ ना सेठ जी बोलता, बैठो इधर, बैठे रहो इधर, मैं आता हूँ। क्या है डार्लिंग? आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ। ये सब कुछ अभी नहीं चलेगा, शादी के बाद ना डार्लिंग। मैंने कहा था ये बुड्ढा बहुत परेशान करता है। सेठ जी, सेठ जी। ओ सर जी यार, अरे यार क्या बताइए? देखो सर जी क्या हो? अरे बापू, क्या हुआ बापू? अबे संभाल अपने बापू को, पता नहीं क्या क्या देखते रहता है। लेके जाओ उधर, लेके जा। एक तो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। चलो बैठो उधर, मेरा टाइम ही सब खराब किया। बैठो बैठो, काय को डर रहे हो? मत डरो, मैं हूँ। बैठो बैठो, मेरा टाइम भी सब खराब किया, मत डरो। अरे बाबू, अरे क्या क्या बोल रहा है आपका? ये क्या उसको यार, ये क्या है? ये चला, अबे हट गया है क्या? तूने देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। अरे क्या बोल रहा है ये? मैं किताब पढ़ रहा था। अच्छा मैं देखता हूँ, चिंता मत करो। संभालना अपने बापू को यार, तुम बाहर नहीं आए इधर, आज तुम बाहर खड़े रहो। हाँ बाहर बापू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूँ ये कैसे हिलता है, देखता हूँ मैं। अब तो हिल, अब तो हिल, अब तो हिल तू। Hmm.
क्या है बापू, क्या हुआ, क्या क्या हुआ तेरे बापू को यार? बापू बापू क्या हुआ? ये ऊपर नीचे, आप मेरे साथ आइए, आप प्लीज आइए मेरे साथ, आइए बापू जाओ, चलिए आप जाओ अपने बॉडीगार्ड के साथ, आप आइए मेरे साथ जाओ, चलिए शायद पागलखाने में ले जाना पड़े। जब से बॉडीगार्ड आया मेरे बाप का दिमाग ही खराब हो गया है। आओ बापू आओ, ये देखो चारों तरफ लड़कियों के फोटो ही फोटो है। ओ सेठ जी, उस गुंडे को भूलने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़की को पटाने के बारे में सोचो। हम जैसे नौजवानों को लड़की पटाने के तरीके सिखाओ और आराम से लेट जाओ, मैं बाहर खड़ा हूं। ओके लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ सेठ जी।